बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है ग्रुप डाटा को लेते हुए मॉड की। प्रीवियस लेक्चर में हम ग्रुप डाटा को लेते हुए मीडियन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने मॉड को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि मॉड का फार्मूला क्या होता है। मॉड को एक्स कैप से डिनोट करते हैं एंड एक्स कैप इज इक्वल टू एल प्लस। याद रखिएगा कि ये जो बटा है ये एल का नहीं है, ये सिर्फ उसका है, एल प्लस सेपरेट है। L plus Fm minus F1 divided by Fm minus F1 plus into Fm minus F2 multiplied by H. What is L? Lower class boundary of mod class. Lower class boundary. It means that कि अगर आप लोगों को data class limit में दिया हुआ होगा तो हमने median में भी convert किया था data को class limit से class boundary में, तो इसमें भी हमें क्लास लिमिट से डेटा को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री को भी, उसके डिफरेंस को भी डिस्कस किया था और कन्वर्जन को भी देखा था। FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मर्ज क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, और FM से जो पिछली फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, और FM से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी अगली उसे F2 बोलेंगे, और H होगा क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। अब आइए जरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि ये ग्रुप डाटा किस तरह आता है हमारे पास। जी, ये हमने क्लास लिमिट दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। क्लास लिमिट देखें, हमें दी हुई है, मैंने क्या कहा था क्लास लिमिट की क्या पहचान होती है कि फर्स्ट क्लास की जो अपर वैल्यू है सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू से मैच नहीं करेगी। लेकिन जब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं क्लास बाउंड्री में तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस कर देंगे और अगली वैल्यू में 0.5 ऐड कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू में 0.5 माइनस कर देंगे, अगली वैल्यू में 0.5 ऐड कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस कर देंगे और अगली वैल्यू में इसी तरह 0.5 ऐड करते जाएंगे। जी, फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस कर दिया, अगली वैल्यू में 0.5 हमने ऐड कर दिया, तो देखिए ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। अब जरा देखिएगा कि फर्स्ट क्लास की जो अपर वैल्यू है वो अगली क्लास की लोअर वैल्यू से मैच कर रही है, ये -0.5 है, क्योंकि 0 माइनस 0.5 -0.5। अब जरा देखिएगा कि ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। सबसे पहले हमने निकालना है FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो आ जाएगा तो उससे पिछली फ्रीक्वेंसी होगी F1 और FM से अगली फ्रीक्वेंसी होगी F2, H देखेंगे और L देखेंगे। ठीक हो गया, ये सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। तवज्जो दीजिएगा जरा कि हमारे पास, देखिएगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 7। इट मींस कि हमारे पास ये जो क्लास है मॉडल क्लास है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो हमारे पास आ गया FM, हमारे पास आ गया 7। उस 7 से जो पिछली फ्रीक्वेंसी होती है ये F1 होती है। अब यहां पे क्वेश्चन भी अराइज होता है, वो भी डिस्कस करते हैं। FM से जो पिछली वैल्यू है वो F1 है और FM से जो अगली वैल्यू होती है वो F2 होती है। ठीक हो गया, अगर ये हमारे पास FM है तो इससे प्रीसीडिंग जो वैल्यू है वो F1 होगी और इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो F2 होगी। और वेयर H इज द क्लास विड्थ, 19.5 और 29.5 में डिफरेंस कितना है, फर्क कितना है, विड्थ कितनी है 10 की है। ठीक हो गया, वेयर L इज द लोअर वैल्यू ऑफ क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, जरा देखिएगा, ये क्लास है हमारे पास मॉडल क्लास और इसकी लोअर वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 19.5, वो तो अपर वैल्यू है। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब आइए जरा इस डाटा को हम पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मॉड का क्या आंसर आता है। जी, बाय पुटिंग वैल्यूज, एल की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 19.5, एफएम की जगह 7 आ गया, एफ1 की जगह हमने अभी वैल्यूज निकाली है सारी 4, एफएम की जगह हमारे पास आ गया 7 और F1 की जगह 4 आ गया, FM की जगह हमारे पास फिर 7 आ गया, माइनस F2 की वैल्यू आ गई 5, मल्टीप्लाई बाय H, H की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो इसको जरा कैलकुलेट करेंगे, 19.5 साइड पे है
7 माइनस 4 करेंगे 3 आ गया, 7 माइनस 4 करेंगे तो फिर 3 आ गया, प्लस 7 माइनस 5 करेंगे 2 आ गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10, इसे कैलकुलेट करके प्लस 19.5 करेंगे तो आई थिंक आपके पास आंसर आएगा 25.5 या 26। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मॉड जो कि हमने क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हुए निकाला। अब जो क्वेश्चन यहां से बीच में अराइज होता है, जरा तवज्जो दीजिएगा, वो कौन सा था? मैंने आपसे कहा है आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मॉडल क्लास की होती है। चले मान लिया एफ एम इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। आप जरा देखिएगा कि मैंने कहा है एफ वन होता है मॉडल क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी एफ वन होता है। अगर इनकेस सेवन आ जाता है यहां पर, इनकेस अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आ जाए तो फिर फर्स्ट से पहले तो कुछ नहीं होगा ना ऊपर, तो फिर एफ वन कहां से लेंगे? या यूं आ जाए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पे आ जाए तो फिर उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी एफ टू होती है, बाद में तो होगा कुछ नहीं, ये तो लास्ट वाली ही हमारे पास होगी एफ एम, तो उससे अगली वैल्यू की फ्रीक्वेंसी तो कोई होगी नहीं, तो हमारे पास एफ टू कहां से आएगा? नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास फर्स्ट में आ जाए तो उससे पहले वाले एफ वन कहां से लेंगे, एफ वन तो हमारे पास होगा ही नहीं, और अगर हमारे पास एफ एम लास्ट पे आ जाए तो एफ टू निकालने के लिए वो सामने फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं ना, तो उसके लिए तो ये चीज मुमकिन ही नहीं है, फिर उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं होता, उसके लिए नेक्स्ट फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मॉड। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, डिफरेंट वैल्यूज लें, डिफरेंट क्लास लिमिट्स लें, क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करके उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेके उनको करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।